ये स्टोरी 70s की है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक इंसान के अंदर, जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 प्रेत आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। उस शख्स का नाम जॉर्ज लुकिंस था और वो एक इंग्लिश टेलर था। कुछ टाइम से उसके पड़ोसियों ने उसकी वॉइस और हरकतों में चेंजेस देखे और उसके घर से अजीबोगरीब से आवाज़ आती थी और वो अकेला एक घर में रहता था। एक दिन पड़ोसियों ने मिलकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 20 वीक के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है और सब रिपोर्ट नॉर्मल है। तो पड़ोसियों ने सोचा क्यों ना उसको पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलाया जाए और फिर जोसेफ ईस्टरब्रुक से कांटेक्ट किया गया और 6 स्पेशल लोगों को शामिल किया गया अपनी प्रेयर में। जब एक्सोरिज्म स्टार्ट हुआ तब जोसेफ से अजीब आवाज़ निकली, तुम लोग फेल हो जाओगे। वह अलग अलग साउंड में वॉइस निकाल रही थी। कुछ टाइम्स बाद जब प्रेयर ख़त्म हुई तब तक में सारे डीमोन्स बाहर निकल चुके थे और ये घटना न्यूज़ तक में पब्लिश हो चुकी थी। तो क्या सच में एक शरीर के अंदर 7 आत्माएं घुस सकती है? आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं।